वाली को नोंगने को और तेरी वाली का मैं 1000 बार नाम लूंगा। मैं तेरी रखेल का नाम ले रहा था, महबूब कहा नहीं। मेरो निसा बंद करो ये गाना। शमशाद बेगम, मैंने तुम्हें कहा था कि ये आदमी यहाँ पे नहीं आएगा। बस कुछ नहीं, दो दिन से दिल में दर्द सा उठता है। दिल में दर्द और इस उम्र में? नहीं नहीं, ऐसी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई होगी, डॉक्टर को दिखाओ। ठीक होगी। आओ आओ बेटा, एकदम आओ। क्या बात है? कुछ नहीं डैड। कोई परेशानी? नहीं, बस ऐसे ही। वो मैं सोच रही थी कि आपसे सारा दिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आप इतने बिजी रहते हैं कि। हाँ बेटा, वाकई टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा मैं। कभी कभी सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ना दूर चले जाऊं, इस शहर से बहुत दूर, अपनी तीनों गुड़ियाओं को साथ लेके और खूब एंजॉय करूं, जैसे हम करते थे, पेंटिंग करते थे, क्रिकेट खेलते थे। और मरी में तुम लोग तीनों बर्फ के गोले बना के मुझे मारते थे। क्या अच्छा वक्त था वो। सोचता हूँ शायद वो वक्त कभी वापस नहीं आएगा। उन तीनों मेरे कद के बराबर हो गए, मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, हार्ट पेशेंट भी हूँ, जिंदगी का तो पता नहीं ना कब क्या हो जाए। अल्लाह ना करे डैड कि आपको कुछ हो। हम सब दुआ करते हैं कि आपको हमारी उम्र भी लग जाए। डैड, आपका साया हम सबके सरों पर सलामत रहे। आप इस घर के साहिबा हैं, एक मजबूत साहिबा। आपको कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जी तो कोई बात नहीं, करेंगे कुछ, वक्त निकालते हैं, कोई अच्छा सा चलते हैं, कुछ मैनेज करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, एक आदमी डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं नशा करता हूँ, नशा छोड़ना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने उससे कहा कि भाई तुम एक काम करो, तुम दूध पीना स्टार्ट करो। तो आदमी कहने लगा, डॉक्टर साहब दूध पीने से तो इंसान मर जाता है। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई क्यों कैसे मर जाता है? उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरा दोस्त दूध पी रहा था कि भैंस बैठ गई। समी, खासा बोल्ड जोक नहीं है? जी मॉम, मैं भी यही कहने वाली थी। I'm just trying to, you know. नहीं बेटा, इसके मजाक पे मत जाओ, इसके सेंस ऑफ ह्यूमर देखो। It's all right. खाना खाओ। मैं खा चुकी हूँ। ज़ारा, तुमने तो शुरू भी नहीं किया बेटा अभी। मॉम, मुझे कुछ काम याद आ गया। ये इडियट पता नहीं क्यों रोज यहाँ आ जाता है। इकबाल भाई, हम लोग इस दौर में रहते जरूर हैं, मगर अभी इतने एडवांस नहीं हुए। आई थिंक ज़ारा मेरा जोक माइंड कर चुकी है। मुझे पर्सनली जाके उनसे यू नो एक्सक्यूज करना चाहिए। नहीं रहने दो, तुम बैठो खाना खाओ, ठीक हो जाएगी वो, डोंट वरी। नहीं, इट्स ओके, अगर ये जाएगा तो ज़ारा की पेंटिंग्स भी देख लेगा, क्यों भागते हैं? खाना खाओ, कोई बात नहीं। नहीं, बट आई इंसिस्ट, प्लीज मुझे जाने दीजिए, बस आता हूँ, एक्सक्यूज मी। Well, thank you. आपने
क्या दूं? वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल। तुमने बनाई है? हाँ, वैसे तारीफों से मेरा पेट भरा हुआ है। एंड बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो जानती हो कि मैं तहमीद मानने में वक्त जाया नहीं करता। जो भी दिल में होता है बस कह देता हूँ। इस बात का मतलब? बात वही पुरानी है यार, तुम मुझे पसंद हो, अच्छी लगती हो। अच्छा तो क्या करूं? तुम कुछ नहीं करो, बस सिर्फ मेरी बन जाओ। मुझे भी धोखे में रखने की आदत नहीं, मैं दो टोक बात करती हूँ और वो ये कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। ज़रा वेट वेट, देखो मैं इस तरह के मजाक को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता, कभी भी नहीं, नेवर। रियली? लेकिन मैं तो मजाक नहीं कर रही, तुम में ऐसी कोई बात नहीं कि मैं तुमसे शादी करूं और तुम्हारी बन जाऊं। ठीक है फिर, मेरे दिल की खुशी की खातिर कर लो। तुम मेरे दिल की खुशी के लिए एक काम करोगे? ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर। गेट आउट। क्या? आई सेड गेट आउट। ओ मॉम, घर पे कोई गाड़ी नहीं नजर आ रही, ड्राइवर भी गायब है, आखिर सब कहाँ गए? ड्राइवर को मैंने भेजा है काम से। कब तक आ जाएगा? 3-4 घंटे लगेंगे आ जाएगा। मॉम मुझे तो अभी अभी मार्केट जाना है, बहुत अच्छी क्रिएशन आई है। क्रिएशंस? ओ उल्टे सीधे कार्टून को क्रिएशंस कहते हैं? मॉम वो तो मैं भी कर लूंगा। मेरा राइट वाला टॉप कहां है? मैं नहीं रहा, अपना ध्यान दो। मुझे नहीं मालूम, मरियम से बोलो निकाल देगी, आइनिंग रूम में होगा। मरियम मेरा टॉप निकाल दो प्लीज। अंदर। और इसके 3 सेट बनवा लेना, ठीक है? जल्दी कर लेना। जी पापा की जान बेटा, खैरियत? जी डैड, आप अभी अभी घर आइए या फिर कोई गाड़ी भेजिए, मुझे मार्केट जाना है। बेटा मैं तो इस वक्त नहीं आ सकूंगा, मसरूफ हूँ, लेकिन मैं गाड़ी का बंदोबस्त करवाता हूँ तुम्हें, ठीक है? मार्केट तक जाना है ना? जी ओके, मैं करवाता हूँ बंदोबस्त। ठीक है डैड, थैंक यू। ओके बेटा। Yes. हाँ इकबाल यार, एक काम करो कि वो गाड़ी घर पे भिजवा दो जरा, ज़ारा बेटी को मार्केट जाना है, ठीक है ना? घर की गाड़ी कहीं गई हुई है। ओके भिजवा दो, प्लीज देख लो जरा। थैंक यू। क्या हुआ डैड, मुस्कुरा भी रहे हैं आप, कोई जोक याद आ गया क्या? जोक नहीं माय डियर, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी भाई, सारा को एक ड्राइवर और गाड़ी चाहिए। तो उसे मार्केट जाना है और तुम यकीनन ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहोगे। श्योर डैड, थैंक्स, थैंक यू सो मच, आई सी यू एट होम। Mm-hmm.
बाजी आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर मैं भी फाइन आर्ट का सब्जेक्ट ले लेती तो क्या भी मेरा भी वही हाल होता जो भी ज़ारा आपकी का हो रहा है? नहीं, इससे भी बुरा हाल होता। उल्टी सीधी तस्वीरें बना बना के ना एक दिन खुद ही बिगड़े हुए आर्ट का नमूना बन जाती। अच्छा, तो मैं तुम दोनों को बिगड़े हुए आर्ट का नमूना लगती हूँ। मॉम सुन रही है ना, आपके साहब दादी को तो आर्ट की तमीज है नहीं, तो आप उसकी बेइज्जती तो ना करें। ओफो भाई, अब मैं तुम लोगों के किसी झगड़े के बीच में पड़ने वाली नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मुझे तो माफ रखो। वैसे ज़ारा भी, हमने आपके आर्ट की तोहीन तो नहीं की। खुद को शायद पिकासो समझती हैं। खैर, अभी तो गाड़ी आ गई है, वापिस आके देखना तुम दोनों को कैसा सीधा करती हूँ। बाबा ड्राइवर कहें, जल्दी बुला दें। हेलो, तुम यहाँ? तो फिर और कौन हो सकता है? क्या है ये सब? आपको गाड़ी चाहिए थी ना, गाड़ी हाजिर? गाड़ी चाहिए थी, तुम्हारी सूरत में ड्राइवर नहीं चाहिए था। इस ड्राइवर को आपके डैड ने आपके लिए पसंद किया, आई मीन भेजा है। यार तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, चलो अंदर जाओ। रुक जाइए बाबा जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि डैड ने तुम्हें यहाँ भेजा और तुम्हारे साथ तो मुझे कहीं नहीं जाना। ऑलराइट, फाइन, इन्हें गेट खोल दीजिए। फाइन फाइन फाइन, मत जाओ कहीं, मत जाओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अपने डैड को फोन करके बता दो कि तुम नहीं जा रही हो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो हर्ट हो जाएंगे कि तुमने उनकी बात नहीं मानी। रीजन क्या बताओगे उन्हें? कोई ना कोई वजह तो बतानी पड़ेगी। ये रीजन क्या कम है कि मुझे तुम्हारी ये फजूल शक्ल बिल्कुल नहीं पसंद। ओके, ये लो फोन और मना कर दो उन्हें। करो। Excuse me. अगर आप पीछे बैठेंगी तो वाकई मैं तो सचमुच का ड्राइवर लगूंगा। प्लीज आगे बैठिए। लगूंगा क्या मतलब? लगना चाहिए, तुम्हें ड्राइवर बनने का शौक है इसीलिए यहाँ आए हो। अब जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। तुम्हें तमाशा देखने का बहुत शौक है, जाओ जाके दरवाजा खोलो, जाओ, चलो जाओ। कोई नया प्रोजेक्ट सोच रहे हो? अरे नहीं भाई, पुराने प्रोजेक्ट चेक कर रहा हूँ, उनके रिकॉर्ड्स, कहीं कोई गलती या मिस्टेक ना हो गई। वो सिल्टेक्स वाले आ रहे थे एक दो दिन से, क्लियर कर दिया उन्हें? कर देंगे भाई, क्यों फिक्रमंद हो रहे? नहीं इकबाल, ये कौमी अमानत है और कौमी अमानत जल्द अज जल्द अदा हो जानी चाहिए। कौमी अमानत, जैसे कौम की ये अमानत ईमानदारी के साथ कौम के पास पहुंच जाएगी। इकबाल, हमें अपने हिस्से की ईमानदारी करनी है, दूसरों की ईमानदारी उन पर छोड़ दो। और एक बात याद रखना मेरी, ये जो बेईमानी का वायरस है ना, इसका एक ही एंटीवायरस है और वो है सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी। अरे हाँ, वो तुमने कुछ पेपर साइन करवाए थे यार, उसकी कॉपी से दे दो मुझे। हाँ भाई, तुम्हारी कॉपी पड़ी हुई है मेरे पास, लाना भूल गया हूँ। मैंने उस दिन कहा था कि भाई अच्छी तरह पढ़ के साइन करना, आ गया ना खुटका दिल में? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी तरफ से दिल में खुटका आ ही नहीं सकता, तो रिकॉर्ड के लिए जरा कॉपी मांग रहा था मैं। ये समी कहाँ है? मुझे काम था उससे और मैंने बुलवाया भी था उसे। वो मेरे ख्याल ऑफिस में होगा, देखो मैं। जी जी जी, हाँ कर लिया आपने रेडी? ग्रेट,
नहीं नहीं मेरी तरफ ना आइए आप, मैं वहां आ जाता हूँ, चार छह लोग आ पाएंगे मैं आ जाता हूँ। ओके ओके मैं इधर आया, एक मिनट। अच्छा है। जरा लुक व्हाट आई फाउंड फॉर यू, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बुक है, इसे मैंने पढ़ा है। इसके ऑथर ने रोमांस को इतनी खूबसूरती से इसमें बयान किया कि तुम्हें पढ़ के डेफिनेटली मजा आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, अरे क्या हुआ, देखो तो सही। तुम्हारा जौक इतना घटिया होगा ये मुझे आज पता चले। इस बुक के फ्रंट पेज पे देखो और गौर से देखो, इसमें रोमांस नहीं हवस झलक रही है। ओके फाइन, मैं ऑफिसर हूँ। डैड ये किस तरह के इंसान को आपने मुझे पिक करने के लिए भेज दिया? अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, काफी देर से ढूंढ रही हूँ। वैसे मैं इसके साथ अच्छा फील नहीं करती, कंफर्टेबल नहीं होती। पार्किंग में खड़ी हूँ कितनी देर से और वो गायब है। प्लीज उसे कॉल करके बोलेंगे वो आ जाए। ज़ारा बेटे मैं इकबाल अंकल बात कर रहा हूँ, वो तुम्हारे डैडी यहाँ फोन छोड़ के ऑफिस में मीटिंग में गए हैं। सॉरी अंकल, वो मैं समी की बात कर रही थी। इट्स ओके, मुझे पता है कि ये काम वही कर सकता है, तो तुम काइंडली से फोन करके पता कर लो। आप कॉल कर देंगे प्लीज? वो एक्चुअली मेरे पास समी का नंबर नहीं है ना, इसलिए। नंबर मैं तुम्हें भेज देता हूँ, खुद फोन करो उसे। बेटा ये अपने जो मैटर्स है ना खुद ही सॉर्ट आउट किया करो, हम बुजुर्गों को इन्वॉल्व ना किया करो। ओके मैं नंबर सेंड कर देता हूँ। बस यार अब तेरी बारी। अबे अभी धुआं सीने में गया नहीं और तू आगे बढ़ा रहा है। और एक बात पते की सुन, ये ड्रग्स है ना ये गाने वालों की क्वीन होती है, और क्वीन को ठुकराते नहीं बल्कि सीने से लगा के रखते हैं। बस सोनू को देख किस पिच पे गाता है। वो तुम्हारे मामा के हाथ की पहली चाय थी शादी के बाद, बड़े प्यार से बना के लाई थी, मैं भी खुश हो गया कितने अच्छे तरीके से चाय लाई। जैसे ही मैंने पहला सिप लिया मुझे खांसी आ गई, तो मोहब्बत से पूछने लगी कि जी चीनी ज्यादा डाल दीजिए। मैंने कहा जी चीनी का तो पता नहीं, नमक ज्यादा डाल दिया जी। मॉम आपने चाय में नमक डाल दिया था। तो फिर चीनी किसमें डाल दी थी मॉम? मैं बताऊं, सालन में, वो भी करेले के। अच्छा बस अब एक दफा गलती से नमक डाल गया, तुम्हारे डैड ने ना बात का बतंगड़ बना दिया। डैड अब आप इरम बाजी की भी कोई बात बता दे। क्या मेरी कोई बात नहीं है? नहीं डैड। हेलो बहुत सारी बातें डैड बताइए। ये बहुत सारी बातें तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मुझे जरूर याद है। ओह ग्रेट, फिर जल्दी से बताएं। नहीं डैड प्लीज, अगर आप इनको सुनाते रहेंगे ना तो ये सुबह तक सुनेंगे और जागते रहेंगे, लेकिन आप थक चुके होंगे, आप जाकर आराम करें। अरे 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 क्यों जाके आराम करें, इतनी देर से मैडम हमारी सारी बातें सुन रही थी, एंजॉय कर रही थी, अब जब खुद की बारी आई तो जाके आराम करें। कोई नहीं डैड बताइए आप। भाई मुझे बहुत सारी बातें, लेकिन एक बात याद है कि इरम को कॉपियां गुम करने की बहुत आदत थी। कॉपियां? ओह नो, वो कैसे? डैड प्लीज। अरे क्या हुआ, ऐसी कोई बात थोड़ी है। नहीं ना,
एक मिनट। तो भाई मैं रोजाना नई कॉपियां लेके आता था और ये रोजाना कॉपियां घुमा दिया करती थी। इनकी मामा भी बहुत परेशान की, क्या तमाशा लगा दो। खैर वो एक मौलवी साहब से तावीज लेके आई। मौलवी साहब ने कहा ये तावीज रख ले, इसके बाद आपकी बच्ची कॉपियां नहीं गुम करेगी। तो ये पता है क्या कहने लगी मौलवी साहब को? क्या जवाब दिया? मौलवी साहब ये तावीज भी गुम हो गया तो। अली बेटा इतनी देर से आयो, आओ ना बैठो हम सबके साथ। ये कहाँ बैठेगा हमारे साथ? ये ना बाप को बाप समझता है, ना फैमिली को फैमिली समझता है। बस इद्रीस आप चुप करें प्लीज। अली आओ बेटा बैठो। इकबाल के बेटे सनी जैसा भी होता ना तो मुझे अफसोस ना होता। जितना नाफरमान है वो उतना ही फरमाबरदार। खैर ये छोड़े आप ये बातों को। मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा बात सुनो, मैंने लाहौर फोन करके अंकल आंटी से बात कर लिया और वो तुम्हारे घर आने के लिए तैयार भी हैं। बस अब तुम्हारा ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। तुमने अपने डैड से बात तो कर लिया ना? बाजी आपने मेरे पेंटिंग कलर्स देखे? व्हाट हैपेंड? हेलो जस्ट अ मिनट। किससे बात कर रही है? फ्रेंड से। फराज वो जारा थी। इट्स ओके फराज, मैं डैड से बात नहीं कर पा रही हूँ। क्या क्या कह रही हो मैडम तुम? मैंने तुम्हारे कहने पर अंकल आंटी को राजी कर लिया और तुम कह रही हो तुमने अभी तक बात नहीं की। मैंने कहा मेरे कलर्स हो यार, क्यों डिस्टर्ब करती मुझे? तो बार बार नहीं रहूंगी, मेरे एग्जाम्स हैं। मना किया कलर्स लेने के लिए बगैर पूछे मुझसे? मेरी कोई चीज नहीं लिया क्यों है? मुझे चाहिए थे। क्यों चाहिए थे? क्या मसला है तुम्हारे साथ? पूछ तो लिया करो, तमीज नहीं है क्या? मैं नहीं दूंगी कलर्स। तो खामोश क्यों? कुछ बताओ तो यार। पिंकी जारा क्यों डिस्टर्ब कर रहे मुझे? जॉब यहाँ से देख ली ना, फोन पे बात कर रही हूँ। माँ देख ली ना अपनी छुड़ैल को, हर वक्त मुझे तंग करती है। मैंने कहा ना जॉब जॉब। मुझे लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। तुमने खुद ही कहा था कि अब तुम्हें इनकार करने की वजह मिल गई है, तो फिर अब किस बात का डिले है यार? बात तो मैं कर लूंगी लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ओके रिलैक्स, लेकिन एक बात याद रखो यार, अगर तुम बात नहीं कर पाई ना तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। और मैं नहीं चाहता कि हमारी मोहब्बत एक अधूरी कहानी बनकर रह जाए। फराज मैं भी ये नहीं चाहती, लेकिन डैड के सामने बात करने से कतराती हूँ। लेकिन ज्यादा देर तक चुप भी तो नहीं रह सकती ना। मैंने सोच लिया है कि मैं अब डैड से बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि डैड मना नहीं करेंगे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आई लव यू। मी टू। बाय बाय।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम इरम बेटी हो ना? जी। आप लोग कौन? ये है तुम्हारी होने वाली दुल्हन। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है ना? दुल्हन? क्या मतलब? अरे बेटा, मैं तुम्हारी मुमताज फूफू हूँ। जब मैं पहली दफा आई थी ना, तो तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी। अब मेरे गले लग जाओ, आ जाओ, आओ मेरे साथ सदके। सामल, असल सामल कहाँ है? ये मानी। जो सामान सारा है ना, वो लेके आओ और मेज पे सजा दो सारा। बिल्कुल सही। वो मेरी दुल्हनिया बेटी के लिए। इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है? लेकिन इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? अरे वाह, कैसी बातें कर रहे हो? ये हमारे लोगों की रस्म होती है। शहर आकर सब कुछ भूल गए क्या? अब बस तुम बात पक्की कर दो, मुझे वापस भी जल्दी जाना है। शर्मा गई, बहुत अच्छी बच्ची है। वैसे इद्रीस, तुमने अपने बच्चों को अदब अदाब खूब सिखाए। ऐसी बात नहीं है आपा, आज मेरी बच्चियां जो भी कुछ है वो अपनी माँ की वजह से है। बस रहने दो, पहले कभी अपनी बीवी के बारे में कुछ माना है तुमने? जो अब मानोगे मुझे जल्दी से जवाब दो, मुझे जाना भी है। कैसा जवाब? अरे वाह, ये सब कुछ मैं रिश्ते के लिए लाई हूँ। देखिए आपा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये बच्चियां मेरी नहीं है, आपकी है। बाप बनकर रिश्ते के लिए हाँ करेगा ना, तो फिर मुझे दिल की तसल्ली होगी। अरे हाँ, वो मुझे याद आ गया आपा, दो दिन के बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो अब आप आ गई हैं, हमारी खुशियां दोबारा हो जाएंगी। क्यों बेटा? जी डैड, पप्पू आप कहीं नहीं जा रही, आपको हमारे यहाँ रुकना पड़ेगा। हायरम, तुमने अपने डैड से बात की? नहीं। नहीं? क्या कह रही हो इरम? प्लीज जल्दी करो यार। अगर ये वक्त हमारे हाथ से निकल गया ना, तो पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा हमारे पास। शायद अब हमारे नसीब में पछताना ही हो। क्या मतलब? हाँ फराज, वो आ गई हैं। कौन आ गई? मेरी पुप्पो, तुम्हें बताया तो था, और इस बार तो अब वो रिश्ता पक्का करने आई है। पापा तो उनके सामने दबे दबे से, इससे तो ऐसा जाहिर हो रहा है कि हमारी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ फुप्पो की बात की है। क्यों नहीं होगी हमारी बात की अहमियत? देखो ये कोई मजाक नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है ये। तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए और उन्हें भी तुम्हारी बात को अहमियत देनी चाहिए यार। तुम बस दो लफ्जों में उनसे बात कह दो। फराज मैं इस तरह नहीं कह सकती, वो अपनी बहन की मौजूदगी में हर्ट हो जाएंगे। पहले पता नहीं था, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि हम इंसान रिश्तों के जज्बाती बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं कि अगर एक गिरा तोड़ेंगे तो बाकी गिरे उसके साथ साथ खुद टूटते चले जाएंगे। फराज लगता है कोई आ गया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय।
अस्सलाम वालेकुम। हाय, मेरा मतलब वालेकुम अस्सलाम। सब लोग नीचे मुझे तंग कर रहे थे, छेड़ रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा ऊपर आ जाऊं, लेकिन मुझे मालूम ही था कि आप यहां पे होंगी। कोई बात नहीं, पिछली बार आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, हालांकि मैंने पूरे घर में आपको काफी तलाश करने की कोशिश की लेकिन आप कहीं नहीं थी। कितनी अजीब सी बात है, हम दोनों कजन्स हैं, मैं कराची काफी दफा आ भी चुका हूं लेकिन आप लोगों से कभी मुलाकात नहीं हो पाई। अम्मी ने सख्ती से मना जो किया था, लेकिन मेरी अम्मी ने जब भी मुझसे पूछा कि अपने मामों की किस बेटी से शादी करना चाहोगे, तो मैंने बिना देखे आपका ही नाम लिया था। इरम, से फर्क तो नहीं पड़ेगा, इस पूरी महफिल में एक ही लड़का है जो बुरी तरह से मेरी आंखों को खटक रहा है। अब मेरा ने मेरे भाई पर तावीज़ करके उसको मुट्ठी में तो कर लिया है, अब देखना मैं क्या करती। मैंने भी भाई समेत पूरे खानदान में उसको बदनाम नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी मुमताज आपा नहीं। दिल कहां तक तेरी दुहाई दे, दिल कहां तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई।